दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक जाम से भरे इस शहरों में आपकी जिंदगी को रफ्तार देने के लिए कैसे जमीन के कई फिट नीचे मेट्रो सुरंग बनाई जाती है? और क्या आपको पता है कि पहले के जमाने में सालों लग जाते थे जमीन या फिर पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाने में? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ये वही ब्लास्टिंग एजेंट है जिसके जरिए बड़े बड़े पहाड़ों में ब्लास्टिंग करी जाती थी और सुरंगें बनाई जाती थी। जब भी ये ब्लास्टिंग किसी पहाड़ पर करी जाती थी तब हमेशा भूस्खलन का खतरा बना रहता था। और सिर्फ यही नहीं, हजारों लोगों को सिर्फ एक टनल बनाने में दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन टनल बोरिंग मशीन आने के बाद ये काम बहुत ही आसान हो गया। इस सिलिंड्रिकल मशीन को जब आप गौर से देखोगे तो आपको बहुत सारे कटर्स नजर आएंगे जो किसी भी रेत, मिट्टी या फिर चट्टानी पत्थर को चुटकियों में काटकर सुरंग बना लेते हैं। इस मशीन से आप 30 फीट से लेकर 60 फीट तक बड़े आराम से सुरंग बना सकते हैं। इस मशीन की ताकत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस मशीन के सामने 58 कटर्स लगे होते हैं और हर एक कटर्स 26 टन का फोर्स पैदा करती है। इसके एक ब्लेड की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 26 गाड़ियां एक साथ किसी चट्टान या फिर किसी पहाड़ पर टकराएंगी तब जाकर ये उतना फोर्स पैदा कर पाएंगी। दोस्तों, अब आइए ये जानते हैं कि आखिर ये मशीन सुरंग बनाती कैसे है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मशीन के आगे कुछ रोटेटिंग कटर्स लगे हुए हैं जो कि मिट्टी को काटने के साथ साथ चट्टानी पत्थरों को भी काट देते हैं। इसके बाद ये पत्थर इस कटर से होते हुए इन रोटेटिंग कटर्स के पीछे लगे एक बकेट में गिरते हैं और ये बकेट इन छोटे छोटे पत्थरों को एक कन्वेयर बेल्ट में डाल देता है जो इस कटर के पीछे इंस्टॉल किया जाता है। इस मशीन में लगा ये कन्वेयर बेल्ट इन छोटे छोटे पत्थरों को इसी प्रोसेस के बाहर लगे कंक्रीट प्लांट में डाल देता है। लेकिन यहां पर इस मशीन का काम सिर्फ पत्थरों को काटना नहीं है, ये मशीन इससे भी कहीं ज्यादा काम करती है। इस रोटेटिंग कटर के ठीक 60 मीटर पीछे एक मशीन लगातार टनल की दीवारों पर लिक्विड कंक्रीट स्प्रे करती रहती है और इस कंक्रीट को वैसे शॉर्टकट भी कहा जाता है। ये कंक्रीट मिक्सचर कुछ ऐसा होता है कि ये बस कुछ ही मिनट में दीवारों पर अच्छे से सूख जाता है और साथ ही में ये टनल को वाटरप्रूफ भी बना देता है। बस आप ये समझ लीजिए कि टनल सुरंग खोदने के काम के साथ साथ प्लास्टर का काम भी इतनी बारीकी से करती है कि इसके बाद इसमें कोई भी फिनिशिंग वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बारी आती है टनल की दीवारों पर बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स को लगाने की और उसको लगाने के लिए एक बहुत ही खास तरह के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रक को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि ये इन बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स को लेकर टनल के अंदर जा सके। और जैसे ही ट्रक्स इन कंक्रीट ब्लॉक्स को लेकर अंदर की तरफ गुजरते हैं तब टनल बोरिंग मशीन हाइड्रोलिक की मदद से इन बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को उठाकर टनल की दीवारों पर फिक्स कर देती है और ये सारा काम इसी मशीन के अंदर बने कंट्रोल रूम से किया जाता है जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होता है। दोस्तों, इस मशीन की कीमत 23 करोड़ रुपए है और ये दिन में अगर 20 घंटे काम करें तो ये एक दिन में 50 फीट की टनल खोद सकती है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे देश में भी जो आजकल मेट्रो लाइंस वगैरह बनाई जा रही हैं वो इन्हीं एडवांस मशीनों की मदद से बनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।